हेलो एवरीवन, आप सभी लोगों का मेरे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। कैसी हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब अपने अपने घरों में मज़े से होंगे, स्वस्थ और सुरक्षित होंगी। आज मैं देखिए ये दो कलर का पैटर्न लेकर आई हूँ। क्रीम कलर को मैंने एज ए बेस सेट किया और इसमें कॉफ़ी कलर से मैंने पैटर्न बनाया है। बच्चों के स्वेटर में बनाएं या फिर बड़ों के स्वेटर में ये पैटर्न बहुत सुंदर लगेगा। जेंट्स स्वेटर में भी अगर आप लाइट कलर में इस पैटर्न को बनाएंगी तो आपका स्वेटर बहुत सुंदर बन करके आएगा। बहुत ही प्यारा और बहुत ही आसान सा पैटर्न है ये। रॉन्ग साइड से कुछ इस तरह का दिखता है। इस पैटर्न को बनाने के लिए हम 3 के मल्टीपल में फंदे डालेंगे और 2 फंदे हम एक्स्ट्रा लेंगे पैटर्न को सेट करने के लिए। तो चलिए हम इस पैटर्न को बनाना आज सीखते हैं। पैटर्न बनाने से पहले आप प्लीज़ प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें, अपने फ्रेंड्स और फैमिली मेम्बर्स के साथ शेयर करें और कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको ये पैटर्न कैसा लगा। तो चलिए इस पैटर्न को बनाना सीखते हैं। इस पैटर्न को बनाने के लिए हम 3 के मल्टीपल में फंदे डालते हैं। तो 18 फंदे मैंने लिए हैं 3 के मल्टीपल में और 2 फंदे एक्स्ट्रा। तो 18 और 2 हो गए 20 फंदे जिन पर हम पैटर्न बनाएंगे। वाइट कलर से मैंने बॉर्डर बनाई है और ग्रीन से हम इसमें पैटर्न बनाएंगे। इसमें मैंने देखिए क्रीम कलर को एज ए बेस लिया था और उसके साथ कॉफ़ी कलर से मैंने पैटर्न बनाया था। पहली लाइन हमारी राइट साइड की होगी और ये हम ग्रीन से बुनेंगे पूरा का पूरा सीधा। फर्स्ट रो हम सीधा सीधा बुन करके पूरा कर लेंगे। तो हम सीधा बुन करके इस फर्स्ट रो को पूरा कर लेते हैं। सेकेंड रो हमारी रॉन्ग साइड की है। पहला फंदा हमारा एज स्टिच जिसे हम स्लिप कर लेंगे, बुनेंगे नहीं। अब हम 3 फंदों को एक साथ बुनेंगे। ये देखिए 2 और ये 1, 3। 3 फंदों को हमने एक साथ बुनना है इस तरह से। पहले हम एक फंदा निकालेंगे, थोड़ा सा ढीला लूज़। एक बार उन लपेट कर एक और फंदा बनाएंगे और एक बार और सेम इन्हीं 3 फंदों को बुन लेंगे। 3 फंदों से हमने 3 फंदे बना लिए। इसी 3 फंदों को हमें बार बार रिपीट करना है इस सेकेंड रो में। ये 3 फंदे एक साथ, एक फंदा एक एक लपेट कर बनाएंगे, 2 हो गए। और तीसरी बार फिर से बुन लेंगे 3 फंदे, फिर से 3 फंदे एक साथ। दाएं सिलाई पर इन फंदों को डाल लेने से एक साथ बुनने में आसानी होती है। एक बना लिया, एक और फंदा और ये तीसरा फंदा। एक, 2, 3, एक, 2, 3, एक, 2, 3, फिर से 3 फंदों को एक साथ। पहले दाहिनी सिलाई पर डाल लेंगे तो बुनने में हमें आसानी होगी। एक फंदा हमने निकाल लिया, ये दूसरा और ये तीसरा और ये एक एज स्टिच। 2 लाइन हमारे पूरे हो गए ग्रीन कलर से। अब हम अगले 2 लाइन की बुनाई वाइट कलर से करेंगे, यानी थर्ड रो और फोर्थ रो वाइट से बुनेंगे। पहला फंदा एज स्टिच, पीछे से पहले हम टाइट कर लेते हैं। अब देखिए एक धागा ये है और एक ये, 2 ग्रीन धागे हैं। इसके नीचे से हम एक एक्स्ट्रा फंदा निकालेंगे 2 बार ऊन लपेट कर, यानी हमें लंबा फंदा चाहिए होगा। ये 3 फंदे सीधे बुनेंगे। और एक बार फिर एक एक्स्ट्रा फंदा निकालेंगे इन 2 धागों के, ये जो ग्रीन कलर के 2 धागे दिख रहे हैं उनके नीचे से, ये होल की तरह है, यहाँ से 2 बार लपेट कर 3 फंदे सीधे।
हर तीन फंदों के बाद हमें एक एक्स्ट्रा फंदा बनाना है, दो बार लपेट कर लंबा सा लूज। फिर से तीन फंदे सीधे, एक एक्स्ट्रा फंदा और ये तीन फंदे सीधे। तीन फंदे हमने बुन लिए तो अब हम एक एक्स्ट्रा फंदा निकालेंगे दो बार लपेट कर और फिर तीन फंदे सीधे, एक एक्स्ट्रा फंदा इन दो धागों के नीचे से, तीन फंदे सीधे। और ये एक एज स्टिच। थर्ड रो हमारी पूरी हो गई, फोर्थ रो रॉन्ग साइड। पहला फंदा स्किप करेंगे, ये तीन फंदे हमने बुन लिए और जो दो बार लपेटकर हमने फंदा निकाला था उसे बिना बुने दाहिनी सिलाई पर डालेंगे। फिर से तीन फंदे बुनेंगे और ये फंदा बिना बुना हुआ, तीन फंदे उल्टे, ये फंदा बिना बुना हुआ, तीन फंदे उल्टे, एक फंदा बिना बुना हुआ। ये फंदा खोल लेंगे, फिर से तीन फंदे उल्टे और ये लंबा वाला फंदा हम खोलकर दाहिनी सिलाई पर डाल लेंगे। चार लाइन पूरी हो गई, जिसमें से दो लाइन हमने ग्रीन से बुना और दो लाइन वाइट से। अब हम अगला दो लाइन फिर से ग्रीन से बुनेंगे। फिफ्थ रो है हमारी राइट साइड की, दो दो लाइन पे हमें उनका कलर चेंज करना है। अब हम ग्रीन से बुनेंगे पहला फंदा, देखिए ये हमारा लंबा वाला फंदा है, इसे हम सीधा करके इस वाले फंदे के साथ मिलाकर बुन देंगे ऐसे, एक फंदा सीधा। अब देखिए ये लंबा वाला फंदा है, इसके पहले वाले फंदे के साथ इसे मिलाकर बुनेंगे दो का एक। एक बार फिर इस लंबे वाले फंदे को बाईं सिलाई पर डालेंगे और इस फंदे के साथ बुनेंगे बैक लूप से, ये देखिए बैक लूप से एक फंदा सीधा, दो फंदे एक साथ फ्रंट लूप से यहाँ पर हमने बुना। अब इसे उठाएंगे एक और इस फंदे के साथ मिलाकर बुनेंगे बैक लूप से, ये देखिए फिर से एक सीधा, ये लंबा वाला फंदा और ये उसके आगे वाला फंदा एक साथ फ्रंट लूप से, और एक बार फिर इसे उठाकर इस फंदे के साथ बुनेंगे बैक लूप से, एक फंदा सीधा, फ्रंट लूप से दो फंदे एक साथ, अब बैक लूप से एक सीधा, दो फंदे एक साथ फ्रंट लूप से, और इसी लंबे वाले फंदे को एक बार फिर बाईं सिलाई पर डालकर ऐसे बैक लूप से बुन लेंगे एक सीधा, और ये दो फंदे किनारे के। फिफ्थ रो हमारी कंप्लीट हो गई, सिक्स्थ रो हमारी रॉन्ग साइड की है। पहला फंदा स्किप करेंगे और ये देखिए तीन फंदे फिर से एक साथ, हमारा पैटर्न रिपीट होना शुरू हो जाएगा। ये देखिए एक हमने निकाला, एक और फंदा, एक और फंदा बुन कर निकाल लेंगे, तीन के तीन फंदे आ गए। फिर से तीन फंदे एक साथ, पहले हम दाहिनी सिलाई में डाल लेते हैं ताकि हमें बुनने में आसानी हो। एक फंदा, एक फंदा लपेट कर बनाएंगे और एक बार और बुन लेंगे, तीन फंदे एक साथ, एक फंदा हमने निकाला, एक लपेट कर बनाएंगे फंदा और एक फिर से बुन कर। एक दो तीन, फिर से तीन फंदे एक साथ, फिर से तीन फंदे एक साथ। ये हमारा पैटर्न देखिए रिपीट होना शुरू हो गया है।
और ये एज स्टिच। इसी तरह से हम जब पैटर्न को आगे बुनेंगे तो हमारा पैटर्न कुछ इस तरह का लुक ले लेगा। आप भी इस पैटर्न को ज़रूर बनाएं और कमेंट करके बताएं कि आपको ये पैटर्न कैसा लगा। मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।